गौरव सलूजा जी का, और ये जानना चाहते हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन HGS के बारे में। अब इस पर नज़रिया क्या है, रखा जाए, बेचा जाए, लंबी अवधि के हिसाब से ये पूछना चाहते हैं। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस में आप एक काम कीजिए, आपने किस प्राइस पे खरीदा ये तो आपने लिखा नहीं है, इसलिए जनरल व्यू बताना होगा। जनरल व्यू ये है कि 200 DMA से दो बार सपोर्ट के लेके आया है और ये अच्छी बात है। तो जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं होता है आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है, तब तो उसके लिए आपको एक लेवल लेना पड़ेगा विच इज़ क्लोज टू 1200। अभी ये चल रहा है करीब करीब 1300 के आसपास, तो 10% से ज़्यादा डाउन साइड इसका नहीं लग रहा है। तो 1200 के नीचे अगर सस्टेंड क्लोज है तो प्रॉब्लम आएगी, सर्टेनली प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और खासकर 1350 के क्लोज के ऊपर में इसको 50-75 रुपए का स्ट्रेंथ तो मिलेगा। ओके, आपने चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए पूछा है तो उसमें मेन मुद्दा ये है कि जब तक 1200 होल्ड करता है और 1420-25 के ऊपर क्लोज होने की कोशिश करता है, ये आपको वापस 1600 प्लस वाले कैटेगरी में लेके जाएगा, और उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कीजिए। 1200 आपके लिए की रहेगा फ्रॉम पोजिशनल जो आपका इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म का उसके हिसाब से। जो अगर मीडियम टर्म देख रहे हैं तो मीडियम टर्म के हिसाब से 1275 के नीचे इसको क्लोज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसका बॉटम रीटेस्ट हो जाएगा। जी, इसने भी काफ़ी समय बीच में गुजारा है एक रेंज के अंदर, तो क्या वैल्यूएशन कंफर्ट इसमें अब आपको दिख रहा है, क्या फंडामेंटली ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर आप इसे रखना चाहेंगे? नहीं, मैं जितनी कंपनी ट्रैक करता हूँ उसमें ये तो नहीं है मेरे लिस्ट में, लेकिन एक रफ देखने की कोशिश भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट है इसका। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत कुछ खास नहीं है, चूंकि मेरे ट्रैकर में नहीं है इसलिए इसके रिजल्ट को मैं डीप जाके नहीं बता पाऊंगा, अदरवाइज प्राइमा फेसी देख के तो बहुत कंफर्ट नहीं है रिजल्ट से। अगर आप फंडामेंटली ट्रैक करते हैं तो रिजल्ट भी देखिएगा, कहीं गलती से लॉस में गया तो